फ्राइडे का दिन था, उस दिन मुझे मेरी कंपनी का छुट्टी था, मैं सोया हुआ था। तो अचानक मुझे 10 बजे फोन आता है कि आशीष भाई का, कि हमारे यहाँ फिल्म जो शूटिंग चल रही है आपके नियर बाई में ही है, नियर बाई प्लेस में। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बोला तब बोलिए। तो उन्होंने बोला कि कम से कम मुझे 5-6 लड़कों की बहुत ज़रूरत है। डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला है कि 5-6 लड़कों की ज़रूरत है, क्योंकि एक्टिंग के लिए कुछ जो जो रोल है उसमें 5-6 जन नहीं आए हैं और कम पड़ रहे हैं। तो ये बात मुझसे बोले, तो मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ। वो उन्होंने बोला कि यार अगर आना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आइए 5-6 लोगों को लेके। और इतना ही सुन के मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम पहली बार रितेश पांडे जी से मिलने का मौका भी मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, और फिल्म शूटिंग सेटअप कैसे बैठाई जाती है और कैसे हुआ करता है ये देखने को मिलेगा। फिर क्या, हम लोगों ने फटाफट 5-6 जन को तैयार मैंने किया और वहाँ से चल दिया। शूटिंग लोकेशन पे पहुंच गए, डायरेक्टर साहब बोले एक काम करिए आपको ये रोल मिलेगा। अब बात करते हैं रोल क्या मिला। रोल जी हाँ दोस्तों, मुझे रोल मिला भी तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो। मुझे जब रोल बताया गया तो मैं बहुत हंसा, क्योंकि पहली बार मैं गया था और सब कुछ पहली बार था। और मुझे रोल क्या मिला पता है, पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी, मैं उसमें फौजी का मुझे रोल मिला, पाकिस्तानी फौजी। तो ये सुनने के बाद मैं बोला यार मेरे दोस्त भी जिसको बताऊंगा भी तो हंसेंगे, मुझसे क्या उम्मीद रखेंगे कि यार तुझे मिला भी। तो फिर मैंने मेरे आशीष भाई को मैंने बोला, तो आशीष भाई बोले यार देखो ये एक्टिंग है, फिल्म हिंदुस्तानी भले है तो एक्टिंग है, ये कोई रियल नहीं है, ये रील है, ये रील लाइफ है, यहाँ रील लाइफ होता है। यहाँ कभी कोई बाप का रोल मिल जाएगा, कभी आतंकवादी का रोल मिल जाता है, कभी चाचा का रोल, तो ये रील है, इस पर आप ध्यान मत दो। तो मैं बोला चलो ठीक है कम से कम। और मुझे मिला पाकिस्तानी आर्मी का रोल जिसमें कलीम फारूकी नाम से मैं उसमें हूँ गेटअप में, और यहाँ पे जो उनका बैच होता है यहाँ पे नाम भी मेरा कलीम फारूकी था। तो ये दोस्तों था कैसे मिला और क्या मिला। और देख सकते हो मेरे साथ रितेश पांडे जी हैं और भी फाइटर हैं, एक्शन जो करते हैं, इनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों इस समय। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी इसमें हैं, मधु जी भी हैं और बड़े बड़े एक्टर हैं, और हीरोइन जो हैं लीड रोल में हैं प्रियंका महाजन भी हैं इसमें, और यश भाई हैं इसके प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत अच्छी मूवी थी और ये तकरीबन शूटिंग जो है चल रही थी, चलते चलते फिर उसमें 10 दिन का मुझे और रोल मुझे मिला, हमारे दोस्तों जो साथ में गए थे 10 दिन का इन लोगों को भी रोल मिला हुआ था। बट दोस्तों अचानक क्या हुआ कि जब मैं रिटर्न आया तो सैटरडे हुआ, यानी कि मैं फ्राइडे के दिन गया था, शाम के टाइम हम लोगों ने 10-11 तक शूटिंग किया, कंप्लीट किया। फिर जब मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला कि अगले दिन आपको आना है, 10 दिन कंटिन्यू आना है, तो मैं फिर उनको बताया कि मैं 10 दिन कंटिन्यू, या मैं ही नहीं मेरे साथ में जितने लोग हैं यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग फिक्स में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं और अपनी खुद का काम है, इसलिए हमें आप पहले बताते तो हम कुछ समय निकालते, यानी हमारा सारा काम जो पेंडिंग पड़ जाएगा। तो 10 दिन बोले तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। फिर क्या, फिर अपने उन्होंने प्राइवेट कार से हम लोगों को यहाँ पे छुड़वाया गया घर पे, और हम लोग आए। फिर यही जर्नी ख़त्म होती है मेरे दोस्त, अलविदा लेता हूँ। और बता और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रगल आप लोग भी करिए और जो आप सोचे हैं वो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने क्या हुआ, पलट के फिर कभी वहाँ पे देखा नहीं, ना जा पाया, क्योंकि काम इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। अब आप समझ सकते हो जो फैमिली वाला मुंबई में रहे या तो फिर फिल्मों में स्ट्रगल करे, ना जाने कब उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये सोच के इंसान पीछे कदम ले लेता है। हमारे जैसे बहुत सारे युवा यहाँ पे जो होंगे देख रहे हो यूट्यूब चैनल को, उनको पता होगा कि या तो फिर आप स्ट्रगल करिए या तो फिर आपके पास जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी कर रहते हुए आप इस दरमियान में शायद मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप वीडियो को शेयर और लाइक करें।